अच्छा आज आपका लेक्चर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? इसका कहीं पे पहले आपने कभी नाम सुना है? यार मैं सुना हुआ एम सूडो सुना हुआ सूडो, है हाँ मैम जी। जी। बाय सूडो का क्या मीनिंग है? मैम झूठे। रॉन्ग हाँ जी, फॉल्स, फॉल्टी। ठीक है, तो ये आपके पास ना फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के दरमियान की ना एक स्पेशल कंडीशन है। उसमें आपके पास क्या होता है कि रिएक्शन आपके पास होता फर्स्ट ऑर्डर है, यानी देखने में आप उसकी कैलकुलेशन करें, आप उसका रेट कांस्टेंट निकालें, आप उसकी मैथमेटिक्स को स्टडी करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है? लेकिन वो ट्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ट्रू फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आपके पास रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो उसकी सारी कैलकुलेशंस हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला है। बात की समझ आ रही है? यस मैम। अब ये कैसे आपके पास ऐसे पॉसिबल है कि कोई रिएक्शन जो है वो फॉल्सली आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाए? सूडो का तो मीनिंग आपको पता चल गया है कि ये फॉल्स है। एक रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कैसे पॉसिबल? ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें एक्चुअली कि फॉल्स तो ये बात है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन होता क्या है कि ये रिएक्शन एक्चुअली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है? नेचुरली जो भी रिएक्शन आप सूटो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, बल्कि उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया जाता है आर्टिफिशली। एक ऐसा रिएक्शन जो नेचुरली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बल्कि आपने आर्टिफिशियली उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया। और कैसे बनाया है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, हमने कहा था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही है, यस मैम। आपके रेट एक्सप्रेशन में जो एक्स आता है, ए आता है, ए माइनस एक्स आता है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पास क्या हैं? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। टर्म्स है। तो जो आपका रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब वो यस मैम। डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि उन्हीं कंसंट्रेशन को चेंज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को वेरी कर सकते हैं समटाइम्स, ठीक है? और एक स्पेशल केस जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है को चेंज किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट को चेंज करके, ठीक है? यानी रिएक्शन आपके पास सेकंड ऑर्डर था, आपने कंसंट्रेशन चेंज की, वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है? रिएक्शन आपके पास जो है वो थर्ड ऑर्डर था, आपने जो है वो दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इस तरह से चेंज की कि आपके पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन गया। तो नेचुरली आपके पास रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं कि जो आपके अवेलेबल रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्शन के, उसमें से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट बन जाता है। क्लियर? यस मैम। अब हम ये कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? अब ये जो है ना, हमने ये कहा है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हमने दो जो है ना वो कंडीशंस डेफिनेशन से आइडेंटिफाई की। कैसे? वो जो दो कंडीशंस हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर की, वो ये है कि पहली बात ये है कि रिएक्शन नेचुरली आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ठीक है? आपने क्या किया, उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये आपके पास जो है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो करेक्टरिस्टिक्स आ गई, और कहाँ से आई है? इस डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन से सूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो दो करेक्टरिस्टिक्स आई हैं वो ये हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, आपने इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके नोट करने वाले, वो क्या है कि ये रिएक्शन नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, नेचुरली जो ओरिजिनल नेचर है रिएक्शन की वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बल्कि इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया गया है, ठीक है? और कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सूडो या फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ से आप इसकी रीजन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?
जी मैम ठीक है मैम। अब हम आगे देखते हैं कुछ चीज फैक्टर्स कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है। अब ये जो आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे ये वाली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसको हमने आगे देखना है ठीक है कि हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है और रिएक्शन का नेचुरल ऑर्डर चेंज कर देना ठीक है। इसी पॉइंट को मैंने आगे लिया ठीक है। अब इस पॉइंट के अंदर क्या है रिएक्शन मेड फर्स्ट ऑर्डर। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आपने उसको बना दिया फर्स्ट ऑर्डर ठीक है। ये तो हमने कह दिया कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके आपने एक ऐसे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया है जो नेचुरली फर्स्ट ऑर्डर नहीं था। कैसे बनाया ठीक है उसके लिए हम क्या करते हैं एक रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं ठीक है। वो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये रिएक्शन आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट? यस मैम ठीक है। जिसमें आप क्या करते हैं कि इथाइल एसीटेट लेते हैं उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड अलग हो जाता है और इथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है। ये स्टेरिफिकेशन का उलट है ठीक है। अब इसमें आपके पास इस रिएक्शन के अंदर दो केसेस पॉसिबल। पहला केस ये है कि आप दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है ना वो एक दूसरे के क्लोज लें यानी इसकी 1 मोल ली है तो इसकी भी 1 मोल ले लें इसकी 1 मोल ली है तो इसकी 0.9 मोल ले लें इसकी 1 ली है तो इसकी 0.9 मोल ले लें ठीक है। तो वो क्या होगा होगा उसमें कि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्लोज क्लोज होंगी ऐसे ही है मैम रिपीट कर दें बात को। मैंने आपको कहा है कि आपके पास जो दोनों रिएक्टेंट्स है ना जैसे इथाइल एसीटेट है इस रिएक्शन के अंदर और दूसरा रिएक्टेंट है वाटर ऐसे ही है जी मैम। आप ये भी कर सकते हैं कि ये नीचे मैंने रेड में ना इन दोनों की कंसंट्रेशन मेंशन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हैं और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन क्लोज क्लोज है जी मैम। जब रिएक्शन होगा तो जितनी क्वांटिटी इसकी कंज्यूम होगी ऑलमोस्ट इतनी ही इसकी भी कंज्यूम हो जाएगी जी मैम ठीक है। और जितनी इन दोनों की क्वांटिटी कंज्यूम होगी उतना आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा या फिर आप कह सकते हैं इथाइल एसीटेट को जितना वाटर अवेलेबल होगा उतना आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 कर दूं 0.9 कर दूं इसकी तो भी ये दोनों क्लोज क्लोज ही रहेंगे और तकरीबन दोनों की इक्वल क्वांटिटी ही कंज्यूम होगी ऐसे ही है जी मैम। जी मैम दूसरा केस ये है कि मैं इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप डाल दूं। इसमें तो मैंने इक्वल ले ली इसमें मैंने क्या किया कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा गैप ले लिया कितना कि ये 0.02 मोलर है तो ये मैंने 20 मोलर ले लिया ठीक है। अब ये तो बहुत कम है ये लेसर देन 1 है 1 से भी कम है और ये 20 मोलर है ऐसे ही है जी मैम। केस 2 में अगर आप देखें तो एक कंसंट्रेशन आपके पास बहुत ज्यादा है और दूसरी कंसंट्रेशन आपके पास बहुत कम है ऐसे ही है जी मैम। अब रिएक्शन तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन तो इन दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है ठीक है। तो अब अगर एक रिएक्टेंट कम है ठीक है इसने अगर जो है इन दोनों ने 1:1 की रेशियो के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया अगर एक रिएक्टेंट कम है और एक ज्यादा है तो इसके 0.02 मोल इसके 0.02 मोल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे और बाकी जो 19.8 मोल्स है वो एज इट इज पड़े रहेंगे वाटर ऐसे ही है क्योंकि 0.02 मोल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएगा तो वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? यस मैम। अब अगर वाटर की कंसंट्रेशन रिजल्ट के इस रिएक्शन के रिजल्ट में 20 से 19.8 हो जाती है तो उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क पड़ा है? नो मैम। तो अब क्या है कि आपके पास एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है और एक रिएक्टेंट कम कंसंट्रेशन अगर आपके पास ये वाला केस बन जाए ना तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो डोमिनेट कर जाता है ठीक है और जिसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है ठीक है वो आप तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि वो निग्लेक्ट हो जाता है। आ रही है बात की समझ? जी
अब ये जो आपका केस टू वाला रिएक्शन है, ठीक है, ये जो केस वन था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया, ये जो आपका केस टू वाला रिएक्शन है उसमें हमने क्या किया कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से एक रिएक्टेंट डोमिनेट कर गया है और एक जो है रिसेसिव है। अब क्या है कि एक रिएक्टेंट जो है, जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होगा आप उसको इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अगर ओवरऑल 1 से 0.19.8 हो जाती है तो इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बहुत कम है और आपके लिए वो नोट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप नोट कर भी लेते हैं तो आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो इतना कम है, ठीक है। यस मैम, अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो बहुत ज्यादा और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज हो, तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज होता है ना उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से हम वाटर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो 20 से 19.8 हो जाती है तो ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम इसको नोट करें, ऐसे ही है। Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास इथाइल एसीटेट है ना, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन की बेस पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर देखने में आपके पास सेकंड है, लेकिन इन एक्चुअल क्योंकि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और एक की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से एक की कंसंट्रेशन के अंदर तो कंसिडरेबल चेंज हो रहा है लेकिन दूसरे की कंसंट्रेशन के अंदर कोई खास चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज को नोट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअली ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, जब आप इनकी क्लोज क्लोज कंसंट्रेशन देते हैं ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप दूसरे के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं फिर क्या होता है कि ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है, ठीक है, रिएक्टेंट तो दो होते हैं लेकिन ये एक पे डिपेंड करना शुरू कर देता है, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बहुत ज्यादा ली हुई होती है ना उसको आप कहते हैं कि आपने इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेस में ले ली। अगर एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में हो, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और दूसरे की बहुत कम हो, तो इस केस में आपके पास जो रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर जो अपेरेंटली होना चाहिए वो नहीं रहता, ठीक है, तो अब उसका जो ऑर्डर है वो सूडो ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर? यस मैम। अब ये देखिए मैंने केस वन के लिए जो है ना यहाँ पे ऑर्डर निकाला है, अगर मैं केस वन फॉलो करती हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो है ये केस वन जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड करती हूँ केस वन का, ठीक है, तो देखें ये भी वन मोलर, ये भी वन मोलर, और कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है वो इन दो रिएक्टेंट्स की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, रेट निकालती हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू फर्स्ट एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, दोनों के साथ 1:1 आएगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन में इक्वल चेंज आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपके पास 2 उस वक्त जब दोनों की कंसंट्रेशन आपने इक्वल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2। अब मैं क्या करती हूँ कि इसका ऑर्डर जो है उसको जो है वो चेंज करती हूँ केस 2 में, एक जो है उस रिएक्टेंट केस 2 में उसकी कंसंट्रेशन हमने 0.02 मोल ली थी, दूसरी की 20 मोल ली थी। अब इसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज होगा, ठीक है, वो आप कैसे नोट करेंगे? ठीक है, इसकी क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की ऑलमोस्ट सारी कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, ऐसे ही है, जो आपका इथाइल एसीटेट है जो कम क्वांटिटी में है उसकी कंसंट्रेशन सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, उसके पास है 100 रुपीज, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है उसके पास है 10 रुपीज,
ठीक है, तो अगर दोनों जो है वो 5 रुपीज की कोई चीज लेते हैं तो किसके पैसों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? टेन वाले के 10 वाले के। अब यहाँ पे भी ये समझे कि इसके पास जो है वो 10 रुपीज है और इसके पास 100 200 रुपीज है। अगर ये 2 रुपये की चीज लेता है तो इसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर जो है वो कम फर्क पड़ेगा। जिसके ऊपर कम फर्क पड़ रहा है उसका चेंज हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, उसको हम कह रहे हैं इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको बाहर निकाल। जिसको फर्क पड़ रहा है उसकी कंसंट्रेशन हमने नोट कर ली। तो यहाँ पे भी आपके पास जो रेट होगा वो डिपेंड इन दोनों की कंसंट्रेशन पे करेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो सेकेंड रिएक्टेंट है, ठीक है, कैलकुलेशन में तो उसको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली चेंज इन कंसंट्रेशन नोट करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो रोल होता है वाटर का वो ऑलमोस्ट कम है। उसकी वजह ये है कि इसके पास ओवरऑल कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि ये अपना 0.02 मोल अगर इसको दे भी देता है, ठीक है, अगर ये अपना 0.02 मोल इसके साथ रिएक्ट करवा भी देता है तो इसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे आपने लेना ही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, तो क्योंकि इसका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम है आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्ट करेंगे तो बाकी रह जाएगा आपके पास सिर्फ इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे आर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 1। एक्चुअली तो आपके पास आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 था, नेचुरली इस रिएक्शन का आर्डर 2 है और वो उस वक्त होता है जब आप इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इक्वल लेते हैं या क्लोज लेते हैं। अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और एक की बहुत कम हो तो जिसकी बहुत ज्यादा होती है उसको आप निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज बहुत कम होता है। अब जो बाकी रिएक्टेंट रह जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन और आपका आर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कम कंसंट्रेशन वाला जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ज्यादा है, उसके ऊपर आपने 1 लिख दिया और आर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। क्लियर? यस मैम, समझ आ गई है कि कैसे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है? यस मैम, यस जब मैम, आपने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा किया, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन पे जाएं, ठीक है, आपने क्या कहा था डेफिनेशन में? ठीक है, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेचुरली ये रिएक्शन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है बट मेड फर्स्ट ऑर्डर, आपने इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया है By increasing or decreasing the concentration of one of reactant. किसी एक reactant की concentration को बहुत कम करके या किसी एक reactant की concentration को बहुत ज्यादा करके, ठीक है? तो आपने ये कहा, ये यहाँ पे जो आपने key points निकाले थे कि reaction first order नहीं है, जैसे अभी आपने देखा है कि ethyl acetate की जो hydrolysis है वो first order है नहीं, वो second order है, naturally वो second order reaction है एंड इट इज मेड फर्स्ट ऑर्डर, आपने उसको फर्स्ट ऑर्डर बना दिया बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कम करके। तो आपने क्या किया, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, उसको एक्सेस में कर दिया, ऐसे ही है, वाटर की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा के एक्सेस में, ठीक है, और जो इथाइल एसीटेट है उसकी कंसंट्रेशन को आपने बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन का चेंज प्रोमिनेंट हो गया है और इसकी कंसंट्रेशन का चेंज निग्लिजिबल हो गया। और जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आपने क्या करना है कि आपने चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर, ठीक है? तो वो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचुरली इन दो रिएक्टेंट्स पे, लेकिन एक की कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज्यादा थी और एक की बहुत कम थी तो आपने एक को निग्लेक्ट किया, ठीक है, और जो एक रिएक्टेंट बचा है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? यस मैम, नेचुरली यस फर्स्ट, मैम, नेचुरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाया है इसलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। अच्छा, आप इस तरह मैम के मेरे एक क्वेश्चन है, हाँ जी मैम, हम किस तरह करेंगे कि एक की कंसंट्रेशन कम और एक की ज्यादा, मैम हमें कैसे पता चलेगा? आपने लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको सॉल्यूशन बनाने सिखाए जाते हैं, आपको जो दो रिएक्टेंट दिए जाएंगे कि इनका रिएक्शन करवाएं
तो एक में आप सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डालेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी उसमें उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मैम ये अपनी मर्जी से हमने रखनी है, वो कह रहा है ना कि मेड फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब है आपने अपनी मर्जी से उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये दो रिएक्टेंट है, आप इनको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक रिएक्टेंट की आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है, दूसरे की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देना है। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन को जो है वो कम करना चाहिए और किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए आपके ख्याल? मैंने तो वाटर बढ़ाई है, क्या वाटर ही बढ़ानी चाहिए? वाटर को इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि आपकी लैब में वाटर जो है वो एक्सेसिवली अवेलेबल है, ऐसे ही है? यस मैम। और इथाइल एसीटेट आपका एक और रिएक्टेंट है जो आपने बाहर से खरीद के रखा हुआ है, तो आपने एक्सपेरिमेंट हमेशा इकोनॉमिकली करना होता है। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन कम करके इसकी ज्यादा कर दूं, इसकी 20 मोलर कर दूं, इसकी 0.02 मोलर, तो वाटर की तो आपके पास कोई प्राइस है ही नहीं, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव रिएक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि आपकी लैब कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी ज्यादा ली है, इसकी कम ले ली। आपको पता है कि प्योर वाटर की भी एक मोलैरिटी होती है 0.55 मोल पर डीएम क्यूब, एफएससी में आपने पढ़ी थी। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं वाटर जो है उसका उसकी का 1 लीटर लेती हूँ, तो उसकी नेचुरल आपके पास जो है वो मोलैरिटी मौजूद है, 20 मोलर भी उसके लेना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन इथाइल एसीटेट के 20 मोलर शायद आपकी पूरी लैब के अंदर हो ही ना, मैक्सिमम जो है 1 लीटर इसका आपकी लैब में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है कि रिएक्शन में अगर एक की कंसंट्रेशन बढ़ानी है दूसरी की कम करनी है, तो आपने ग्राउंड कंडीशंस को भी देखना है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है, किसकी कंसंट्रेशन कम की जा सकती है। क्लियर? तो आपने अगर yes, आपके पास वाटर के अलावा कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है दोनों में से कौन सा इजीली अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट कम है उसको एक्सेस में कर। क्लियर? और एक्सेस में करने का तरीका, हाँ जी, उसमें एक्सेस में करने का तरीका ये है, वाटर के अलावा कोई रिएक्टेंट है कि जो एक रिएक्टेंट है उसमें सोल्यूट कम डालें या सॉल्वेंट ज्यादा डालें, और दूसरे में सोल्यूट ज्यादा डालें सॉल्वेंट कम डालें। तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ज्यादा होंगे, उसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे सोल्यूट कम होगा, उसकी मोलैरिटी भी कम होगी और उसके की कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो आप जो है वो दोनों रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज को देखते हुए खुद से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और एक ही कम कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर वो सेकंड ऑर्डर भी होगा, वो थर्ड ऑर्डर भी होगा, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपके पास फिर क्या होता है कि आपके पास ये कुछ कंडीशंस जो हैं इसकी आ गई हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाला आपके पास जो है सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, यही वाला मैंने लिया, इथाइल एसीटेट का रिएक्शन लिया है और हाइड्रोलिसिस ली है इसकी। तो इसमें आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं रिएक्शंस के वो कौन कौन से हैं? एक आपके पास इथाइल एसीटेट था, एक वाटर था, एक एसिटिक एसिड था जो प्रोडक्ट में बन रहा था, और एक ये इथाइल अल्कोहल। अब कंसनट्रेशन जीरो पे कितनी है? इसकी कंसनट्रेशन हमने ली थी 0.02 मोल और इसकी कंसंट्रेशन हमने ली थी 20 मोल। तो जब अभी जस्ट आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, आपका रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस वक्त इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 मोलर होगी, इसकी भी 0 मोलर होगी। जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन तेजी से कंज्यूम होगी क्योंकि ये पहले ही काम थी, ऐसे ही है? यस मैम। ये पहले ही काम थी, ये फौरन से खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये खर्च होगा, इसकी कंसंट्रेशन 19.8 मोल हो जाएगी 20 से। इसकी 0.02 से 0 हो गई और इसकी जो है वो 20 से 19.8 हो गई। अब इसकी जो कंसंट्रेशन पहले आपके पास 0 मोल थी वो 0.02 होगी, ये भी 0.02।
क्योंकि दोनों ने 1:1 में मिलना है, तो मैक्सिमम जितनी इसकी जो है वो आपके पास कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी इतना ही आपके पास प्रोडक्ट मान सकते हैं। एफएससी में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो याद है? यस मैम। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कहते थे कि जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड कर रही होती है। जी मैम, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लेती है। हाँ जी, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये जो इथाइल एसीटेट, तो जितनी इसकी क्वांटिटी है मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्ट बन सकता है। बाकी आपका ये जो वाटर है अगर इसकी 20 से 19.8 मोल तक कंसंट्रेशन चली भी जाती है तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, कोई नेट चेंज नहीं है इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर? यस मैम। तो ये आप अब आप देखें कि जो प्रोमिनेंट चेंज है कंसंट्रेशन में वो इथाइल एसीटेट का, जी कि मैम। उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, जीरो हो गई। आ रही है बात की समझ? यस मैम। अच्छा, अब ये जो आपका रिएक्शन है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये खत्म हो जाता है। इसको जब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है वो एक इक्वेशन है, लेकिन वो वॉल्यूम के फॉर्म में जो है वो आपको चाहिए। वो मैं आपको इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट इक्वेशन आपने इस्तेमाल करनी है, आपने उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। तो नेक्स्ट आपने जितने भी ऑर्डर पढ़ने हैं उसमें आपने कंडीशन आइडेंटिफाई कर लेनी है कि आपका एक्चुअली वो वाकई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या वो आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। तो ये जो आपका yes, ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका, ये यहाँ पे जो है वो आपका